नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं एक आदर्श शिक्षक के गुणों की। मतलब अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो कौन कौन से गुण होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी टीचिंग लाइफ में सफल हो और बच्चे आपको पसंद करें। मैं जो आज आपको टिप्स बता रहा हूँ वो मेरी जो टीचिंग लाइफ है, जो मेरे 18 साल का अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथ ही मेरे जो साथी टीचर्स हैं उनके भी अनुभव आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इन अनुभवों को जो टिप्स के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में यानी आप अपने टीचिंग करियर में उसको यूज़ करते हो तो ज़रूर आप अपने टीचिंग करियर में सफल होंगे और बच्चे भी आपको पसंद करेंगे और आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो सबको मालूम है, वही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि किसी भी टीचर को अगर एक सफल टीचर बनना है तो उसको अपने सब्जेक्ट पर पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। एक इतना सा भी लूप होल आपको अपने सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी आपकी इज्जत करेंगे जब आप अपने सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से परफेक्ट हों। और इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, इतनी बुलंदियों को प्राप्त करने के बाद भी आज भी जब वो फील्ड पे जाते हैं तो पहले प्रैक्टिस करते हैं। इट मीन्स आपको भी, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी पुराने टीचर क्यों ना हो, सालों आपको पढ़ाते हुए क्यों ना हो गए हो, लेकिन फिर भी जब आप क्लास में जाएं तो आप अपने आप को तैयार करके जाएं। मतलब आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है या दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है टीचर का, वो होता है अपने स्टूडेंट पर कमांड। देखिए, पहला तो हो गया आपकी सब्जेक्ट पे कमांड और दूसरा हो गया स्टूडेंट पर कमांड। क्योंकि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, सब कुछ आपको आता भी है, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक जा ही नहीं पा रहा। मतलब आप अपने आप को अपनी जो चीज़ें हैं उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बच्चे आपकी सुन नहीं रहे। मतलब बच्चे पे अगर आपका कमांड नहीं है तो आप कितने भी गुणवान क्यों ना हो, कितने भी अच्छे पढ़ाने वाले क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि बच्चे तक वो आपकी बात जा ही नहीं पाएगी। कारण ये रहेगा कि बच्चे आपकी बात सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे मस्ती करते रहेंगे और आप पढ़ाते रहेंगे। तो दूसरा काम क्या है कि बच्चों पर कमांड। अब बच्चों पर कमांड कैसे किया जाए ये एक अलग मैटर है, इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा कि बच्चों पे कमांड कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि बच्चे आपके कमांड में कब रहेंगे, जब बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर बच्चे आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो आपकी बातें भी नहीं सुनेंगे। और बच्चे रिस्पेक्ट आपको कब करेंगे, जब आप अच्छा पढ़ाते होंगे और साथ ही आप उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो होगा पहला पॉइंट। दूसरा ये कि इसके लिए अगर आपको रिस्पेक्ट पाना है तो इसके लिए आपको बच्चों का विश्वास जीतना पड़ेगा। आप विश्वास कैसे जीत सकते हो? विश्वास जीतने के भी तरीके हैं। विश्वास जीतने का तरीका ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना है, क्योंकि जो भी आप पढ़ा दें, जो भी आप बोर्ड पे लिख दें वो अटल सत्य हो जाए। मतलब जो आपने लिख दिया, जो आपने पढ़ा दिया, उसको कोई चैलेंज ना कर सके। ऐसी आपकी पढ़ाई होना चाहिए, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा एडवांस है। वो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के आते हैं यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ के आते हैं, वो आपका ही टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे अगर बहुत अच्छी कमांड है तो आप जो भी पढ़ाएंगे वो करेक्ट पढ़ाएंगे। बच्चे कहीं पर भी उसको वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। अगर बच्चे वेरीफाई करेंगे तो आप सत्य निकलेंगे, और सच निकलेंगे तो आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ेगा कि जो मेरे सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी कथनी और करनी में समानता होना चाहिए। मतलब जो आप कह रहे हैं वही आप करते हैं और जो आप करते हैं वही आप कह रहे हैं। देखिए, अगर आप जो कह रहे हैं वो करते नहीं हो और जो करते हो वो कहते नहीं हो तो बच्चे आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। सपोज़ करिए आपने कहा कि मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ रोज़ और रनिंग पे जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कुछ ऐसी प्रकार की बातें कहें और वो बच्चे कभी देखे और आप वो ना मिले उनको, तो बच्चे आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इन चीज़ों से होगा क्या कि जो आप सही बात करें उन पे भी बच्चे आपका विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वही बात कहिए जो आप करते हो या वही बात करिए जो आप कहते हो, ठीक है। यानी आपकी कथनी और करनी में समानता होना चाहिए। एक बहुत ही काम की बात आपको बताता हूँ, कभी भी किसी भी टीचर की बुराई आप बच्चों के सामने मत करिए। चाहे वो बुरा हो भी, बच्चे उसकी गलती बता भी रहे हों, तो भी आप उनकी गलती पर हामी मत भरिए।
क्योंकि अगर आप एक बार किसी बच्चे के सामने या किन्हीं बच्चों के सामने किसी टीचर की बुराई करेंगे तो बच्चे फिर आपकी बुराई उस टीचर के सामने करेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी टीचर की बुराई आपको बच्चों के सामने नहीं करनी है और बच्चों को भी इन काम करने से रोकना है। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई बच्चा आपके सामने किसी टीचर की बुराई ना करें। एक सबसे बड़ी बात यह जो टीचर के अंदर खासकर होती है, 90% टीचर के अंदर ये बात होती है कि वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। मतलब मैं तो अपने ज़माने में ऐसा करता था, मैं तो अपने ज़माने में ये करता था, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ने में अच्छा था, मैं खेलता भी बहुत अच्छा, दुनिया भर की अपनी तारीफ़ें करते रहना, ये एक टीचर की आदत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी टीचर ऐसे होते हैं, लेकिन अक्सर टीचर ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आपको ऐसी बातें नहीं करना अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो, क्योंकि आपकी जो अच्छाई है वो बच्चों को दिखना चाहिए, ना कि आपको बोलना है। जो भी आपकी अच्छाई होगी वो तो दिख जाएगी, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप बोलिए मत, वो चीज़ करके दिखाइए, या वो बच्चे अपने आप आपके अंदर से ढूंढ लेंगे अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो। अब आते हैं बच्चों के ऊपर। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो अगर आप बच्चों की सभी समस्याओं को सुने और सुनकर उसका उचित निराकरण करें। ऐसा मतलब क्या होता है, कई बार बच्चा कुछ आपसे कहने चाहता है लेकिन आप उसको झुंझला के दूर भगा कर देते हो या फिर मना कर देते हो, मेरे पास टाइम नहीं है या ऐसा कुछ भी है। तो आप जो भी बच्चे की प्रॉब्लम, चाहे वो उसकी खुद की प्रॉब्लम हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप उसकी बातों को जरूर सुने और उसका निराकरण भी करें। साथ ही एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी मान लीजिए कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आया, किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम लेके आया आपके पास, तो आपको उसी समय उसको उसकी प्रॉब्लम को दूर करना है। मान लीजिए आपने कहा ठीक है यार ये बता दो, मैं कल आपको बता दूंगा। अगर आपने ऐसा बोला बच्चों को कि मैं कल बता दूंगा, तो बच्चा ये समझता है कि ये चीज़ इनको नहीं आती है, ये पढ़ के आएंगे फिर मुझे बताएंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आप तुरंत बच्चे की जो समस्या है उसको सॉल्व करिए, या अगर आपको नहीं आती है तो उसी किसी दूसरे तरीके से उसे मना करें, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कहें कि वो कल आना। आप अगली बात यह कि अगर बच्चों को आपको शांत रखना है क्लास में, तो आपको टाइम से क्लास में पहुंचना होगा। क्या होता है, एक पीरियड जब एंड होता है आप जाते हो, थोड़ा भी अगर गैप मिल जाता है बच्चे को, तो होता है क्या, वो उसमें मस्ती करना शुरू करते हैं, और मस्ती के मूड में एक बार बच्चे आ जाते हैं तो उसको वापस उस मूड से वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जैसे ही पीरियड ख़त्म हो आपको तुरंत अपने पीरियड में जाना है, ताकि बच्चे मस्ती करने के मूड में ना आए इससे पहले आप उस क्लास में पहुँच जाएँ। दूसरी बात ये कि आप अगर चाहते हैं कि बच्चे हमेशा आपकी बात सुने, तो आपको बच्चों को इंगेज करके रखना है। आपको अपने बातों से या अपने कामों से ऐसे बच्चों को इंगेज करके रखना है, ताकि बच्चे के ऊपर बच्चे को कोई टाइम ही नहीं मिले कि वो मिसबिहेव कर सके। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बच्चों को बोर कर दें। जब आपको लगे, क्योंकि आप एक टीचर है, आपको चेहरे से पता चल जाता है कि बच्चे कब बोर हो रहे हैं और कब आपकी बात को इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट से अलावा भी उनसे बात करें, कुछ हंसी मजाक की भी बात करें, लेकिन हंसी मजाक भी ऐसी होना चाहिए कि वो क्लास से बाहर ना जाए, ताकि दूसरे टीचर उसे डिस्टर्ब ना हो। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि बच्चे बोर भी नहीं हों और आपकी क्लास में शोर भी नहीं हो। एक और बहुत ज़रूरी बात है, कुछ टीचर्स ऐसे, मैं नहीं कहता हूँ सभी टीचर ऐसे, तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो घर की फ्रस्ट्रेशन, या जो मान ली प्रिंसिपल ने कुछ कह दिया उसकी फ्रस्ट्रेशन, या उनसे कोई काम नहीं हुआ उसकी फ्रस्ट्रेशन, वो बच्चे के ऊपर निकाल देते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे अगर एक बार आपसे चिढ़ जाते हैं तो हमेशा के लिए चिढ़ जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप कहीं और की जो प्रॉब्लम है या कहीं और की फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों के ऊपर नहीं निकालें। एक और बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ कि आप बच्चों से कभी भी भेदभाव ना करें। होता क्या, कभी कभी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कुछ स्टूडियस बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ भी उनकी गलती भी हो जाती है तो उनको माफ़ कर देते हैं, और जो बच्चे स्टूडियस नहीं होते हैं उनको हमेशा डांटते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक रूल आपने बनाया वो सभी के लिए होना चाहिए, वो चाहे कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो या कितना भी ख़राब बच्चा क्यों ना हो, या साथ ही किसी और प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी आपको नहीं करना है। एक अच्छा टीचर अपने बच्चों के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है। मतलब आपको चाहिए कि आप भी अपने बच्चों के बारे में, यानी अपने स्टूडेंट के बारे में सभी जानकारी रखें। वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसके दोस्त कैसे हैं, अगर ये जानकारी आप रखोगे तो बच्चों को टैकल करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। बच्चों के साथ आप फैमिलियर रहें, ना कि फ्रेंड बने। बहुत लोग क्या करते हैं कि फैमिलियर रहने के चक्कर में फ्रेंड बन जाते हैं, फिर बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते। एक ज़रूरी बात, बहुत से टीचर ये सोचते हैं कि बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो बच्चा अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन बहुत दूसरी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप बच्चों की अच्छाई या बुराई केवल पढ़ाई पर निर्भर ना करें, और चीज़ों पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि वो मान लीजिए पढ़ने में अच्छा नहीं तो ख़राब बच्चा हो गया, और वो पढ़ने में जो अच्छा वो अच्छा बच्चा हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे दूसरे कामों में भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ सिंगिंग में अच्छे होते हैं, किसी बात में अच्छे होते हैं। तो सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए एक टीचर को, ना कि ओनली पढ़ाई का। एक और ज़रूरी बात
बच्चों के जो आइडियाज़ होते हैं, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है, उनको ज़रूर सुने और उसको शांत करें। अगर बच्चों के पास कुछ आइडिया है तो उसको सुने और उसको अप्लाई भी करें अगर वो अच्छे हैं तो, और अगर कोई जिज्ञासा है तो उन्हें शांत करें। तो ये कुछ टिप्स थे जिसको यूज़ करके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। मैं नहीं कहता कि जो मैंने टिप्स बताई वो ही दुनिया की सबसे अच्छी टिप्स है, लेकिन एक टीचर होने के नाते, इतने साल के एक्सपीरियंस होने के नाते और बहुत सारे दूसरे टीचर को एक्सपीरियंस भी आज मैंने आपसे शेयर किया है, तो अगर ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अगर आपके काम आ जाए और आपकी टीचिंग लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार आ जाए या कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।